मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के वस्त्रराल से देशभर में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत व करनाल जिलों के इस योजना के तहत सबसे पहले पंजीकरण करने वाले 10 कामगारों को पंजीकरण पत्र व 9100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने पंजीकरण कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पंचकुला जिला के रायपुरानी व यमुनानगर जिला के बुड़िया में कार्यरत VLI को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय व राज्य सरकार की लगभग 300 योजनाएं गरीब व्यक्ति के लिए संचालित है और इनको हमने ऑनलाइन व एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए अद्योत्य केंद्र व सरल केंद्र तथा ग्रामीण स्तर पर अटल केंद्र स्थापित किए हैं। इन स्थानों पर योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ इन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं व प्रक्रियाओं के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के शुभारंभ के समय, जिसका शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, सारे देश भर में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं, हरियाणा का अपना ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें हम सब उपस्थित हैं। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आज तो अपना काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, लेकिन एक आयु के बाद, 60 साल के बाद भी हमारा जीवन सुखी रहे, तो उसके लिए एक श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक राशि, थोड़ी राशि आज हम बचा करके और उसको जमा कराना शुरू करें और 60 साल के बाद हमको उसका 3000 रुपया मासिक एक पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो, ऐसी योजना शुरू की है। और उस राशि में 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक ये लोग उसके अंदर योगदान करेंगे। 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति सिर्फ 55 रुपया महीना देगा, 40 वर्ष का व्यक्ति 200 रुपया महीना देगा। इसके हर वर्ष के हिसाब से जब उसकी प्रवेश उसमें योजना में करेगा, उसका अलग अलग दर से ही रखा गया है। 29 वर्ष की आयु का व्यक्ति 100 रुपया देगा, ऐसा 55 से लेकर 200 रुपये तक। और केवल इतनी राशि तो हम इसमें डालेंगे जो उसमें भागीदारी बनेगा, और इतनी ही राशि केंद्र सरकार से अपनी ओर से वो डालेंगे। अर्थात योजना तो 55 वाली 110 रुपये की है, 200 वाली 400 रुपये की है, और ये हम 40 साल का व्यक्ति 19 साल तक, 20 साल तक इसको जमा कराएगा तो 60 साल के बाद उसको जो आज 200 रुपया जमा करा रहा है, 20 साल के बाद उसको 3000 रुपया महीना मिलेगा, यानी 15 गुना ज़्यादा, ये और किसी सिस्टम में मिलता नहीं है। भविष्य कैसे सुधरे निखरे, इस प्रकार की योजना बनाई गई है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।